He told me this, that this is your team, make it or break it. बॉलीवुड के शाहरुख खान ने मूवीज में काफी नाम कमाया है। अपने करियर में टॉप पे रहने वाले शाहरुख खान ने 2008 में KKR में पार्टनरशिप करने का जब फैसला लिया, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनको 2010 तक अपनी फ्रेंचाइजी को एक मैच जीते हुए देखना भी बड़े मुश्किल से नसीब होगा। और उसी के साथ एंट्री होती है बाजीगर की। अरे अपने गौती भाई, जिन्होंने मैं हूं ना बोल के पूरी KKR टीम को जीरो से हीरो बना के बाकी टीम में डर और फैंस को दीवाना बना दिया। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। आज बस यही स्टोरी हम आपके सामने रख के बताना चाहते हैं कि कैसे गौतम गंभीर हैं KKR के असली डॉन। अब सीन था 2011 IPL मेगा ऑक्शन का और दिल्ली ने गंभीर को रिटेन ना करने का डिसीजन लिया। अब वही गंभीर जैसा एग्रेसिव ओपनर अगर ऑक्शन में आएगा तो धूम तो मचनी थी, और ऐसे में KKR ने उनको $2.4 million में शामिल कर लिया। यार शाहरुख खान जिस टीम का ओनर हो उस टीम से खेलने को मिले तो भला कौन मना कर सकता है। ऊपर से गौतम गंभीर को तो कोलकाता ने कैप्टन भी बना दिया। इंडिया का 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 ODI वर्ल्ड कप फाइनल्स का टॉप रन स्कोरर बनने का कुछ तो रिवॉर्ड गंभीर को मिलना ही था, और KKR ने उनका स्वागत भी दिल खोल के किया। स्वागत नहीं करोगे आप हमारे? अपने एक इंटरव्यू में गंभीर ने ये भी बताया है कि जब वो शाहरुख खान से पहली बार मिले तो किंग खान ने उन्हें सिर्फ एक ही बात बोली थी, मेक इट और ब्रेक इट। इसका मतलब ये है कि भाई अब ये फ्रेंचाइजी तुम्हारे भरोसे है, तुम्हें इसको जैसे चलाना है चलाओ। यार अब गौतम गंभीर की सीरियसनेस और गुस्से वाला मूड तो आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो एक बार शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर का यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लेना। तो 2011 में जब IPL सीजन आया तो गौतम गंभीर ने सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया एज ए कैप्टन, और अपने फर्स्ट सीजन में ही KKR ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 में फिनिश किया, जबकि फर्स्ट 3 सीजन्स में एक बार भी ये टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और फिर जब 2012 सीजन आया तब गंभीर ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर टूर्नामेंट की विनिंग टीम बना डाली। मनविंदर बिस्ला, जैक कैलिस, यूसुफ पठान, सुनील नरेन और बिना जाने कितने बड़े प्लेयर्स को टीम में शामिल करके पॉइंट्स टेबल में सेकंड पोजीशन हासिल की। और फिर प्लेऑफ में जाके जब KKR और CSK का फाइनल हुआ तो गंभीर ने मनविंदर बिस्ला को चांस दे दिया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हार्डली खेला था। और फिर फाइनल्स में CSK के 191 रन्स का टारगेट का पीछा करते हुए वही मनविंदर बिस्ला की 89 रन्स की पारी ने KKR को जीत दिला दी। 2012 में IPL जीतने के बाद 2013 का IPL KKR के लिए हल्का रहा, और 2014 में टीम ने जोरदार वापसी की और एक और टाइटल अपने नाम किया। फाइनल्स में पंजाब किंग्स को हरा के कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी सेकंड IPL ट्रॉफी जीती और गंभीर बन गए वन ऑफ द मोस्ट लव्ड गाय इन कोलकाता आफ्टर सौरभ गांगुली। वही यंग प्लेयर्स जैसे मनीष पांडे, कुलदीप यादव, उमेश यादव, क्रिस लिन और भी न जाने कितने नामों को उन्होंने आगे बढ़ाया। 2014 के बाद गौतम गंभीर को IPL में एक सक्सेसफुल कैप्टन के रूप में देखे जाने लगा था। उनका कंपैरिजन MS धोनी से किया जा रहा था, जो खुद दो बार IPL ट्रॉफी जीत चुके थे। पर उस सीजन के बाद KKR नेक्स्ट 3 सीजन्स में गंभीर के अंडर IPL ट्रॉफी नहीं जीत पाए, पर अपनी एग्रेसिव कैप्टेंसी से उन्होंने बाकी कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हमें दिए, जैसे कि RCB को 49 रन पे ऑल आउट करना, MS धोनी के अगेंस्ट टेस्ट फील्ड सेटअप और भी ना जाने कितने। 2017 IPL सीजन में KKR का सफर क्वालिफाइड 2 में खत्म हुआ, और इसी के साथ गौतम गंभीर ने भी फैसला किया कि अब वो अपने आखिरी IPL सीजन अपनी होम टीम के साथ खेलना चाहते हैं। फिर क्या, KKR ने उनको रिलीज किया और उधर दिल्ली ने उनको अपनी टीम में 2.8 करोड़ रुपए में शामिल किया। पर पहले 6 में से 5 मैच हारने के बाद सिर्फ 85 रन्स बनाने वाले गंभीर ने कैप्टेंसी छोड़ने का फैसला लिया और श्रेयस अय्यर को नया कैप्टन अनाउंस किया गया। यही नहीं, उन्होंने खुद को ड्रॉप भी किया और उस सीजन की अपनी IPL सीरीज ये कह के लेने से मना कर दी कि जब मैं अपना काम ही नहीं कर पाया तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ। भाई सैल्यूट है ऐसे बंदे को।
इस सीजन के बाद गौतम गंभीर ने आईपीएल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और उनको आईपीएल से जुड़ने का फिर से 2022 में मौका मिला जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें मेंटर बनाया। दो सीजन में दो प्लेऑफ में टीम को पहुंचाकर गौतम गंभीर ने अपना नाम फिर कमाया। 2024 आईपीएल सीजन के लिए शाहरुख खान ने वापस गौतम गंभीर को अप्रोच किया और उनके सामने रख दिया एक ब्लैंक चेक। और जैसे ही गंभीर 2024 में केकेआर से जुड़ते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। सुनील नारायण को वापस से ओपनिंग कराना, आंद्रे रसल का कॉन्फिडेंस वापस लाना और फिल सॉल्ट जैसे प्लेयर को रिप्लेसमेंट में लाना, सब गंभीर का ही काम है। तो यार आप लोगों को क्या लगता है, क्या फिर से एक बार गौतम गंभीर केकेआर को दिला सकते हैं आईपीएल ट्रॉफी? कमेंट करना ना भूले और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स कैफे। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।